Hello friends and welcome to my food and traveling video group. आइए आज हम देखते हैं फिश करी विथ मास्टर सीट. मास्टर सीट से फिश करी कैसे बनाते हैं. इसके लिए हमें चाहिए ये फिश के टुकड़े. इसमें हम नमक मिलाएंगे और हल्दी मिलाकर अच्छी तरह से इसमें मिलाएंगे और आधा घंटा ऐसे ही रख देंगे ताकि नमक इसके अंदर समा जाए और टेस्ट अच्छा आए. जब नमक अच्छे इसमें नहीं समाएंगे तो टेस्ट नहीं आएगा फिश का. ऐसे हमने आधा घंटा रख दिया. ये है मास्टर सीड्स एंड इसमें इसको भिगो कर लगभग एक घंटा भिगो कर एक पेस्ट बनाएंगे. इसमें ये है ऑनियन, प्याज, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और ये है मास्टर सीड पेस्ट. अब हम फिश को फ्राई कर लेंगे. ऐसे फिश को अच्छी तरह से फ्राई करना पड़ेगा. उसके बाद हम प्याज को ऐसे भून लेंगे और थोड़ी देर भूनने लगभग 5 मिनट भूनने के बाद इसमें जिंजर पेस्ट, अदरक और लहसुन, गार्लिक पेस्ट इसे मिलाएंगे. और ये मास्टर सीड्स पेस्ट मिलाया इसमें और इसको लगभग 5 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें टर्मेरिक पाउडर दिया, हल्दी पाउडर, फिर इसमें नमक मिलाएंगे और अदर स्पाइसेस मिलाएंगे यहाँ पर, जैसे कि धनिया और जीरा. इसमें मिलाकर फिर 5 मिनट फ्राई करेंगे इसको. उसके बाद हम इसमें बॉइलिंग वाटर, गर्म पानी डालेंगे. गर्म पानी डालने के बाद इसको 10 मिनट बॉईल करना पड़ेगा अच्छी तरह से ऑल स्पाइसेस मिक्स होने के लिए. ये फ्राई किया हुआ फिश है. ये बॉइलिंग होने के बाद इसमें हमने फिश डाला. ये फिश डालकर लगभग 10 मिनट इसको हमने उबाला. फिर अदर साइड को हम ऐसे दे देंगे और 10 मिनट अदर साइड में भी होने के लिए देंगे. फिर हमने यहाँ पर फिश करी मसाला दिया है. उसके बाद ऐसे 10 मिनट हो जाने के बाद ये देखिए हमारे मनचाहा फिश करी विथ मास्टर सीड्स. मास्टर सीड्स से बनाया हुआ फिश करी तैयार है. बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, स्वादिष्ट दिख रहा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द